वेलकम सो भाई है हमारे अगले डायमंड अचीवर को बुलाने की जोरदार तालियां जमुना प्रसाद मौर्य एंड वो अकेले नहीं आ रहे हैं जी हां देवी और साजिना उनके साथ एक और डायमंड अचीवर आने वाले हैं इस खूबसूरत से मंच पर जोरदार तालियां हो जाए फॉर मिस्टर विनोदी जी हाँ अब एक नहीं बल्कि दो दो डायमंड अचीवर साथ में आने वाले हैं तालियों के साथ स्वागत किया जाए मिस्टर जमुना प्रसाद बौर्या एंड मिस्टर विनोद चेसवाल तालियों के साथ एवरीवन अपने सीनियर अपने भगवान को नमन करते हैं प्रणाम करते हैं मनन करते हैं जिनकी आज सपोर्ट से जिनके आशीर्वाद से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं और आज के कई साल पहले जब हम आज जो समस्या है हमको और जो समस्या है चार साल पहले जब हम कंपनी किसी और नहीं जुड़े थे किसी और कंपनी जोड़ते तो करोड़ दस करोड़ों रुपए की लाबिलिटी हमारे पास थी करोड़ों रुपए की लाबिलिटी थी तो मन नहीं कर रहा था क्या करें क्या ना करें लेकिन बीच में हमारे बीच में कुछ तीसरे पार्टी के माध्यम से हमारी ज्वाइनिंग हो गई हम ज्वाइनिंग तो कर लिए कि मन नहीं लग रहा था कि हाँ यार छोटे छोटे लड़का आए क्या करें क्या नहीं करेंगे हमारे लड़के के बराबर हैं तो विश्वास करके काम किया हमने और आज मीना सर संजय सर को हम नमन करते हैं तो संजय सर और अमिनाश सर आज हमको उंगली पकड़ पकड़ कर चलाया संजय सर अमिनाश सर जी और आदि सर जी ज्ञान शर्मा सर दुबे साहब श्री कुमार जी को बहुत बहुत बधाई बहुत प्रणाम करते हैं और और अनिल कुरी सर को नमन करते हैं और संजीव सर को बार हम बहुत बहुत बधाई देते हैं बहुत बहुत नमन करते हैं प्रणाम करते हैं आज उन्हीं के माध्यम से आज आज चार साल का समय वो करोड़ों रुपए की लाइवलिटी होने के बाद भी हमारा मन नहीं कर रहा था कि क्या करें क्या न करें और आप धीरे धीरे काम को शुरुआत किया जान को शुरुआत किया आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं इसमें सबसे ज़्यादा हमारे सीनियर संजय सर का अविनाश सर का महत्व तो है नहीं तो हम तो कुछ भी नहीं थे हम कुछ भी नहीं थे हमारे संजय सर और अविनाश सर हमारे जैसे लीडर ऐसे हमारे तो भगवान इतनों इस, इस, हैं कि कोई सीनियर नहीं ऐसे मिलेंगे आज ही जैसे सीनियर हैं इनको इनके सपोर्ट ऐसा कोई सपोर्ट नहीं को आज हमारे सीनियर हैं ना सब सीनियर हैं पूरे भारतवर्ष में हमारे सीनियर हैं सब और आज बताकर बता कर बता रहे हैं कि अवेलेबलिटी थी कि आज हमारे सब ही चार हुआ और प्यारी से हमारी टीम प्यारी से हमारी टीम ने उनको सपोर्ट किया और आज और आज यहाँ तक हम पहुँचे हैं बताओ नहीं कहेंगे नमस्कार दोस्तों माई सेल्फ विनोद प्रसाद जायसवाल और आप ही सर गाजीपुर लंका का रहने वाला हूं दोस्तों ये बिजनेस बाई लक या बाई चांस मुझे साढ़े तीन साल चार साल पहले मिला था हमारे अपलाइन अंकुर सर थे जो मुझे पहली बार प्लान दिए थे और दोस्तों इस बिजनेस में आने से पहले मैं अपना छोटा मोटा व्यापार किया करता था और गायत्री परिवार से जुड़ा था जानते था गायत्री परिवार संस्था है मैं बचपन से जुड़ा हुआ था और क्या करता मैं साइकिल पर अखंड ज्योति पत्रिका बांटा करता था और अपने गुरु का काम क्या करता था दोस्तों जब अंकुर सर ने मुझे चार साल पहले ती, साढ़े तीन साल पहले प्लान दिया था तो मेरे मन में बहुत सारे डाउट थे मैंने सर से बोला सर ये क्या लगता है सर ये पैसा कमाना आसान है क्या अब जो सौ करोड़ को प्लान दे रहे हैं यदि इतना आसान होता तो सब लोग यही काम करते हैं ना आज के डेट में देखा जाए सर एम बी ए बी टेक करने के बाद लोगों को चालीस पचास साठ हज़ार नौकरी नहीं मिल रही है आप बोले सर यहाँ सौ करोड़ रुपया कमाया जा सकता है और दूसरा मेरे मन में डाउट था दोस्तों यदि मैं प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं आया तो लोग क्या कहेंगे यही नहीं कहेंगे यार सौ रुपये चौक हजार पठक के चला गया दोस्तों मैं गायत्री प्रण से जुड़ा हुआ था और मेरे गुरुदेव कहा करते थे बेटे कभी दिल दुखा के पैसा मत कमाने चीकार करते हुए मैं गरीब था लेकिन ईमानदार था मैं बोला यार दुनिया में यदि ऊपर वाला है तो मैं जब भी आगे बढ़ूंगा ईमानदारी से बढ़ूंगा नेक नियत से बढ़ूंगा दूसरों को आगे बढ़ा के बढ़ूंगा दोस्तों जाने अनजाने में एक प्लेटफार्म मुझे मिला और मैंने काम करना शुरू किया मुझे पाई पायल घबाहट थी दोस्तों जानता नहीं एम मार्केटिंग में सबसे बड़ी चीजें ज्यादा बोलने वाला लोग चाहिए अब मैं बिल्कुल कहा जा सकता है मैं बिल्कुल असामाजिक प्राणी था मैं मंदिर पर जाकर सोच जाता था मैं गुरुदेव का काम करता था माने बिल्कुल मैं समाज के कट के रहा करता था लेकिन सपने मन में, में बहुत सारे सपने थे यार पढ़ने का शौक था यार मैं पढ़ूंगा बहुत अच्छा आगे तक जाऊंगा लेकिन पढ़ नहीं पाया अपनी मजबूरी के चलते बिजनेस भी सोचा मैं बहुत बिजनेस करूँगा लेकिन उसमें कुछ हो नहीं पाया अभी जानते हैं सर बिना पूँजी के पैसा कमाना बहुत ही कठिन काम है और जहाँ पैसा नहीं आता इनकम का जरिया नहीं तो लोग उस समाज जो लोग हिंद दृष्टि देखा करते थे दोस्तों हमारे भी कुछ रिश्तेदार थे कुछ अपने जानने वाले थे जो लोग मुझे हिंदी देखा करते थे मजाक उड़ाया करते थे मैंने प्लान देकर लोगों पास जाया करता था लोग बोलता था ये कुछ नहीं करेगा खाली करोड़ों ख्वाब देखता है दूसरों को दिखाता है ये कामचोर है निकम्मा है ये कुछ नहीं कर पाएगा खाली बड़ा बड़ा ख्वाब देखता है लेकिन दोस्तों मन में सपने थे क्योंकि मेरे अपने गायत्री अखंड ज्योति पत्रिका आता था हरियन हिमत ये पुस्तक आती थी मैं पढ़ता था मोटिवेट हो जाता था हो जाता था नहीं यार जीवन में कुछ करना है कुछ बड़ा काम करना है सोच बड़ी थी दोस्तों इस तरह मैंने प्लान देना शुरू किया सबसे पहले प्लान अपने एक भांजे को दिया था शायद वो आज वो यहाँ पर आकर बैठा हुआ भी है मैंने सबसे पहले उसको प्लान दिया मैं बोला यार देख धनु मामा भांजा ये बहुत अच्छा मेरे पास प्लान है सौ करोड़ कमाने का प्लान है आठ दस हजार रुपये लगाना है सौ करोड़ कमाना है तू बहुत टैलेंटेड है तू सामाजिक प्राणी तू थोड़ा नेता स्वभाव का है मैं बिल्कुल असामाजिक प्राणी हूँ दोनों मिलके मामा भांजा कमाएंगे बहुत अच्छा जानते क्या बोला मा, बोला मामा ये सब बेकूफ़ बनाने का है ये सब कोई कमाता माता नहीं है ये कंपनी या चार महीना बाद तुम दिखोगे ना तुम्हारी कंपनी दिखेगी मैं यार गया था अपने भांजों को समझाने के लिए भा, मेरे भांजा ने मामा को समझा के भेज दिया मतलब अब सोचिए ये स्थिति हो चुकी थी दोस्तों आज बेचारा आके यहाँ बीच में बैठा हुआ भी है मतलब जहाँ जाते था वहीं विरोध करते थे मैं एक आदमी को प्लान दे रहा था बगल में उन्हें बोला जानते हो सर इस बिजनेस में क्या होता है सौ में कोई दो ही आगे बढ़ता है मैं बड़ा सोचने लगा एक सामने वाला बंदा मोटिवेट भी किया था वो बंदा हमको रजिस्ट्रेशन का पैसा भी देने वाला था एक बगल में आ गया बोला सर ऐसे बिजनेस कोई आगे को बढ़ता नहीं अब झूठ मूठ के मेहनत कर रहे हैं इसमें सौ में तो कोई दो ही आगे बढ़ता है दोस्तों मैं मंदिर पर जाकर सोचने लगा यार सपने पूरे होंगे या केवल ऐसे ख्वाब रह जाएंगे ये बोला बंदा सौ में दो बंदा दो आगे बढ़ते हैं मैं अंठानवे में हूँ या दो में हूँ लेकिन मैं दोस्तों मेरा प्लान बहुत अच्छे थे आकर मोटिवेट किए नहीं जी काम करिए अच्छा होगा बहुत अच्छा होगा बहुत बढ़िया होगा दोस्तों गलती से एक बार आदित्य सन ने मुझे नैनीताल लेके चले गई जबस्ती दोस्तों मैं गरीबी से मारा हुआ था एक मेरी बड़ी बड़ी पहन थी तीस साल की मेंटली डिस्टर्ब थी बहुत सारी दिक्कतें होती थी बहुत सारी परेशानियां होती थी लेकिन आदित्य सन ने मुझे बहुत मोटिवेट किया बोला बिनो जी या तो अपने जीवन भर इस परेशानी से लड़ते रहिए अपने बहन से लड़ते रहिए या तो चलिए एक बार इस ट्रेनिंग में नैनीताल हो सकता है आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाए बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए दोस्तों मैं उस नैनीताल में गया था और जब नैनीताल गया तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया जानते हैं लास्ट में मुझे क्या समझ में आया जब लास्ट में एम सर दो चार दस लोग शिकुमार सर हमें याद है शिकुमार सर को खड़ा किए थे महिपाल सर को खड़ा किए थे अनिल कुड़ी कुछ नसीम खान को खड़ा किए थे बोले देखो ये लोग इतने कमा चुके दोस्तों मैं सोचा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था नहीं मात्र इंटर तक पढ़ा था मैं सोचा जब सर लोग कमा सकते तो मैं क्यों नहीं कमा सकता दोस्तों उस दिन के बाद मैंने चलना शुरू किया और दोस्तों नहीं सोचा नहीं यार मैं यहाँ डायमंड बैंक जरूर देखाऊंगा दोस्तों जहां लोग बोला करते थे एक नहीं आएंगे दो नहीं आएंगे दोस्तों आज बताते हुए अच्छा लगता है आज मेरा छब्बीस हजार लोग बन चुकी है दोस्तों छब्बीस हजार लोग सोचिए डीएसपी सर भी आए हुए हैं हमारा टीम में काम करते हैं मतलब जब अच्छा लगता है तब तो मुझे गुरु बोलते हैं लगता है यार मुझे क्या प्लेटफॉर्म परमात्मा ने दिया है सोचिए मैं एक वो इंसान था एक पुलिस वाले सामने जाकर बात करने में का कांपने लगता था अब मुझे सर पर जाने मुझे इतना इज्जत देते हैं सर सोचिए आज अच्छे अच्छे लोग आए यहाँ लोग बोला करते थे यार दो चार हजार ही कमाएगा अच्छा हजार नहीं कमाएगा, हजा कमाएगा। दोस्तों आज महीना में देखा जाए तो तीन से चार लाख एवरेज कमाता है दोस्तों तीन से चार लाख एवरेज कमाता है दोस्तों क्या लगता है पैसा कमाना आसान है क्या क्या लगता है आज के दुनिया में ईमानदारी से पैसा कमाना आसान है क्या नहीं दोस्तों बहुत पापड़ बेलना पड़ता सोचिए आज मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिला हो मिला होता तो मैं क्या करता दोस्तों मैं यही कहूंगा ये यह परमात्मा के दिया अवसर है बस इसको पकड़ के रखिएगा आने वाले समय में तीन से चार साल में से साल जिसने मेरा जीवन बदला मैं गारंटी दे सकता हूँ हर बैठा हुआ बंदा डायमंड बन सकता है कार्योर बन सकता है दोस्तों मैं गारंटी दे सकता हूँ बस इस प्लेटफार्म पर, पर टिके रहिएगा बस ईमानदारी से मेहनत करिएगा सच्चे दिल से लगे रहिएगा परोपकार की भावना लेकर काम करिए दोस्तों कहीं ऊपर वाला होगा तो आपको पैसा देगा दोस्तों मैं गारंटी दे सकता हूं अभी मेरा तीन से चार लाख इनकम महीने में आता है छह महीना बाद मेरा दस लाख इनकम हो जाएगा और दोस्तों मैं साइकिल से बिजनेस शुरू किया था आज के डेट में मेरे पास बलोनो कार है और मैं गारंटी देता हूँ यदि ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो चार महीना बाद यानी अप्रैल में, में मेरा दोस्तों बी एमडब्ल्यू फाइव सीट जो लाख रुपये गाड़ी ले रहा हूँ दोस्तों अस्सी लाख रुपये गाड़ी ले रहा हूँ दोस्तों ये प्लेटफॉर्म की ताकत है ईश्वर के दिया हुआ है जानते हैं जब ऊपर वाला देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है जब अवसर देता है तो साथ में तकलीफें भी देता है वही आगे बढ़ेगा वही पैसा कमाएगा जो तकलीफों को झेलेगा जो बर्दाश्त करेगा दोस्तों हमारे जीवन में भी ऐसे ऐसे समय आए ना मैं क्या बताऊँ एक समय मेरे घर में दो किलो आटा लेने का पैसा नहीं था सर मेरी एक भांजी थी छोटी थी स्कूल में एडमिशन कराना था मैं एक आदमी को ब्याज पर पैसा मांगा ढाई हजार रुपया मुझे नहीं दिया मैंने एक साल के लिए में पढ़ाई छोड़ा दिया दोस्तों मेरी बहन का दवा लाना पड़ता था मैं एक रिश्तेदार नहीं दिया और दोस्तों, एक मेरा था रिश्तेदार रास्ते में उसका उधार, उधार था मुझे इतना बेइज्जत किया इतना बेइज्जत किया मैं सोचा यार जिंदगी अच्छा तो आत्महत्या करना होता लेकिन मैं सोचा नहीं यार कहीं नहीं कहीं ऊपर वाला है उसके घर में है रहे नहीं देगा जरूर देगा एक जरूर देगा दोस्तों आज दिया दोस्तों हम लोग इतिहास बनाने का काम करते हैं विश्वास करिए ऊपर वाले आपको एक प्लेटफॉर्म जाने, जाने में दे चुका हो सकता है आप अच्छे कर्म किए हो आप नेक नियत वाले होंगे अपना के देखिएगा या माँ बाप का आशीर्वाद होगा या आपका परोपकार की भावना होगी दोस्तों आप आए नहीं है कोई लाया हुआ है लाने वाला कोई ना कोई और सकती है ध्यान रखिएगा आप अपने से नहीं आए हैं देने वाला कोई और है लाने वाला भी हो कोई और है हो सकता है आपके जीवन में भाग का उदय होने वाला हो जाने अनजाने में आ चुके दोस्तों बस प्लेटफॉर्म को पकड़े रहिएगा प्लेटफार्म को पकड़े रहिएगा संघर्ष करिएगा जिंदगी तो वो बदलेगा दोस्तों मेरे गुरुदेव कहा करते थे जानते हैं गायत्री परिवार संस्था है मेरे गुरुदेव वांग में लिखे थे यू, महाकाल का युग परिवर्तन प्रतिक्रिया गुरुदेव लिखे थे बेटे कहते थे बेटे आने वाले समय में नेता अभिनेता हटेगा झुकेगा ये बेटे क्योंकि महाकाल का चक्र चल रहा है जो नहीं झुके पिस जाएगा दोस्तों आने वाले समय में सिंपल सिंपल लोग उभर उभर के तेजी से आगे आएगा ना लोग देखते रह जाएंगे सोचिए दोस्तों आज से चार साल पहले हम अंकुर जी साइकिल प्लान करने जाया करते थे बोलते थे भैया काम स्टार्ट कर कार आएगा लाखों आएगा करोड़ों लोग मजाक उड़ाया करते थे दोस्तों क्या लगता है आज अंकुर सर के देखा जाए चौबीस साल की उम्र है चौरासी लाख का कार मेंटेन करते हैं। सोचिए सर जिले में कौन करता होगा कोई करता होगा क्या कोई करता होगा क्या जिला तो छो, छोड़िए दोस्तों आज पूरे उत्तर प्रदेश में देखिएगा एक बार रात में सोने पर उंगली पर गिनी कि कितने ऐसे लड़के होंगे कितने ऐसे आदमी होंगे जो चौरासी जो 24 साल की उम्र में अपने ईमानदारी से कमाई से अपने मेहनत की कमाई से दूसरों को कमवा कर खुद चौरासी लाख का कार मेंटेन करते होंगे शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा सर होगा क्या होगा क्या ऐसा कोई जो चौबीस साल की उम्र में चौरासी लाख का कार मेंटेन करता है दोस्तों आज मेरा अप्लाइंगा होगा कल मेरा भी होगा दोस्तों ये जो आज मेरा प्लान क्या हुआ कल मेरा भी होगा मुझे पूरा विश्वास था दोस्तों यदि कोई चौरासी लाख का कार्ड मेंटेन कर, करता भी होगा ना तो गिने चुने लोग ईमानदारी से कमा करते होंगे यदि होंगे तो दो नंबर वाले होंगे या तीन नंबर वाले होंगे या बाप दावे प्रॉपर्टी वाले होंगे सर आज हम लोग इतिहास बनाने का काम करते हैं दोस्तों दुनिया में जब भी कोई अवसर मिलता है तकलीफें भी साथ में आती है ध्यान रखिएगा अरे सर क्या लगता है आप लोग मना करते होंगे अरे जब धरती पर प्रभु राम आए थे ना उनको भी लोग मना कर देते थे वो बोले राजकुमार है ये बनवासी है साथ कौन दिया था सर कोल भी बंदर, बंदर की गिलहरी दिए थे अरे भगवान किस भी आए थे तो उनका साथ कौन दिया था सर अच्छे अच्छे लोग साथ नहीं दिए थे बड़े लोग साथ नहीं दिए थे साथ कौन दिया था ग्वाल बाल साथ दिए थे लेकिन आज सोचिए दोस्तों आज यदि राम का इतिहास लिखा जाता है ना आता है। आता है, तो वही ग्वाल बालों का नाम आता है दोस्तों मैं विश्वास दिलाता हूँ यदि इस दुनिया में यदि वर्ल्ड में इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें सबसे पहला नाम एडोलपियल का आएगा दोस्तों एडोलपियल का आएगा जैसे जैसे रामायण में भागवत में उन लोग महापुरुषों का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है यदि हम भी इस हम लोग भी इस डब्ल्यू पी एल में एडोल में जुड़े रहे तो आने वाले समय में डब्लू पी एल के साथ साथ हम लोगों के नाम कहीं सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा दोस्तों अच्छे लिखा जाएगा। बस विश्वास करिए जब मेरा जैसा बंदा न बोलने वाला बंदा या डायमंड बन सकता है चार लाख महीना कमा सकता है मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों 2022 दो में मेरी आठ से दस लाख हो जाएगा 2023 में मेरी इनकम पच्चीस से तीस लाख हो जाएगा अब दोस्तों हम लोग इतिहास बनाएंगे ख्वाब वो देखते हैं दोस्तों ख्वाब ये है ना ध्यान रखिएगा कोई नेता कोई कोई होगा ना कोई सांसद विधायक तो कभी चलता होगा तो बलोन उसे चलता होगा स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर से लेकिन जब एक नेटवर्कर चलेगा ना दोस्तों तो उसे पीछ, उसे आगे पीछे चार गनर हो गए आगे पीछे बीएमडब्ल्यू आर की माइने लगी दोस्तों एक बाप भी अपने बेटो को देख बोला अपने बाप बेटे को, को बोलने पर मजबूर हो जाएगा तो बेटा तू कुछ बनना या मत बनना आने वाले समय तू ए डायमंड बननाडोर बनना दोस्तों के बाप अपने बेटो को करने पर मजबूर हो जाएगा वो प्रस्तुति ला देंगे दो साल बाद 2022 23 में वो माहौल आएगा दोस्तों एक बाप भी अपने बेटों को बोला तू नेटवर्किंग कर तू नेटवर्किंग कर तू नेटवर्किंग कर दोस्तों ये ये, ये माहौल आएगा का दोस्तों मैं ज्यादा ना बोलते हुए यही कहूंगा बस नेक नियत ईमानदारी से इस प्लेटफॉर्म पर लगे रहना ये संजीव सर कोई साधारण पुरुष नहीं है परमात्मा कहते हैं महाकाल का बनाया हुआ हुआ चीज है ये महाकाल का बनाया हुआ कंपनी दोस्तों कभी अहंकार मत लाना कभी ईगो मत लाना मैं पूजा करता हूँ अहंकार मुझे मुझे मत देना कभी अहंकार ना आने पाए ध्यान रखना अहंकार आया तो रावण का एक लाख बेटा सवा लाख नाथी खत्म हो गए दुर्योधन दुर्योधन के सौ भाई खत्म हो गए कभी अहंकार मत लाना दोस्तों ये परमात्मा का दिया हुआ है ये हम लोग माध्यम है हम एक माध्यम है दोस्तों आना समय या प्रति बनाखाना बनेगा देखना आप कौन से लेवल पर होते हैं बस दोस्तों बस जो टिकेगा वो कमाएगा जो टिकेगा वो इतिहास बनाएगा क्या आप इतिहास बनाने के तैयार हैं इतिहास बना सकते हैं तीन साल दे सकते हैं तीन साल दे सकते हैं सर कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जहाँ कम पढ़े लिखे नेक नियत से तीन साल के अंदर चार लाख महीना कमा सकते हैं यही प्लेटफॉर्म है यही प्लेटफॉर्म है दोस्तों चार लाख देगा चालीस लाख भी देगा ऐसा में आएगा अस्सी लाख भी महीने का देगा मैं दोस्तों मैं ज्यादा ना बोलते अपने बातों का मुझे पांच मिनट का समय दिया गया था मैं अपने बातों को यही समाप्त करूंगा दोस्तों थैंक यू विशु ऑल देंट गोड डायमंड दोस्तों